करनाल का अमृत धारा माय हॉस्पिटल जो कि करनाल का वन ऑफ द टॉप मोस्ट हॉस्पिटल्स में से एक है, जहां पर हर तरह के पेशेंट्स पहुंच रहे हैं और यहां पर हर तरह का इलाज पेशेंट्स को मिलता है। यानी सर से लेकर पैर तक अगर किसी भी तरीके की कोई भी बीमारी है तो यहां पर पेशेंट्स एक्सपर्ट डॉक्टर से राय लेने के लिए, उनसे कंसल्ट लेने के लिए और ओपीडी के लिए पहुँच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एमरजेंसी के केसेस की अगर मैं बात करूँ तो हर तरह की सुविधाएँ अब आपको अमृत धारा माय हॉस्पिटल में मिलेंगी। क्योंकि सबसे पहले ये देखा जाता था कि अगर कुछ एमरजेंसी के केसेस हैं तो उनमें पेशेंट्स को रेफर कर दिया जाता था, चाहे दिल्ली रेफर करने की बात हो या फिर चंडीगढ़ जैसे बड़े शहर में रेफर करने की बात हो। लेकिन अब उन पेशेंट्स को हर तरह का इलाज करनाल के अमृत धारा माय हॉस्पिटल में मिलेगा। साल 2017 में अमृत धारा माय हॉस्पिटल की शुरुआत करनाल में हुई थी और अब 7 सालों से बेहतरीन इलाज अमृत धारा माय हॉस्पिटल दे रहा है। और सबसे पहले मैं जुड़ूंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा बीमारी जो आजकल देखने को मिलती है वो होती है स्ट्रोक को लेकर। हार्ट अटैक्स के बाद जो सबसे ज्यादा बीमारी देखने को मिलती है वो होती है स्ट्रोक को लेकर। बॉडी में अगर किसी तरीके का हेडेक आपको फील हो रहा है या फिर किसी भी तरीके की अगर आपको और कोई बीमारी है, शरीर में किसी भी तरीके का धीमापन आ रहा है या फिर आपको कोई कंपन महसूस हो रही है, तो हर तरह का इलाज यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा आपको एक बोटोक्स इंजेक्शन भी देखने को मिल रहा होगा। और आपको एक आपकी बात क्लियर करना चाहूँगी, एक आपकी कन्फ्यूजन दूर करना चाहूँगी कि बोटोक्स इंजेक्शन मेडिकल में भी यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि ये आप कॉस्मेटिक तक सीमित नहीं रहा। और इसको लेकर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर ऋषु गर्ग, जो कि करनाल में अमृत धारा माय हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट हैं, उनसे हम बात करेंगे। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? हेलो मैम, बिल्कुल बढ़िया हूं, आप कैसे हैं? ओके सर, क्योंकि अब विंटर सीजन शुरू हो चुका है तो सबसे ज्यादा बीमारी आप क्या डील कर रहे हैं, किस तरह के पेशेंट यहां पर पहुंच रहे हैं? मैम ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहते हैं कि आजकल विंटर्स में स्ट्रोक सबसे ज्यादा कॉमन हो जाता है जी। और स्ट्रोक को सिम्टम्स मैम, जैसे अगर सबसे पहले एकदम अचानक से बैलेंस बिगड़ जाना या आवाज़ में तुतलाहट आना या एक हाथ पैर में कमजोरी आ जाना, अचानक से दिखना बंद हो जाना, अचानक से चक्कर आ जाना, तो ये बहुत कॉमन सिम्टम्स होते हैं कि स्ट्रोक के। तो अगर ये कुछ भी सिम्टम्स आए तो हम एक पीरियड होता है गोल्डन पीरियड, तो हम कुछ को ये बोलते हैं कि विद इन 3 to 4 hours के अंदर अंदर आप हॉस्पिटल के अंदर पहुंच जाने चाहिए जी। ताकि हम अमृत धारा माय हॉस्पिटल में जो गोल्डन पीरियड है उसको यूज़ कर सकें। उसमें थ्रोम्बोलाइसिस होता है, एक इंजेक्शन होता है जबकि वो जो क्लॉट है उसको हम पिघला सकें जी। तो ये जो गोल्डन पीरियड है इसमें आना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये स्ट्रोक के सिम्टम्स सबसे कॉमनली मिलते हैं। और क्या बीमारियां देखने को मिल रही हैं जो नर्व से जुड़ी हुई होती हैं? बॉडी में आजकल देखा जाता है कि अचानक से धीमापन आ रहा है, किसी तरीके की कंपन महसूस हो रही है बुखार के बाद, और क्या कुछ सिम्टम्स रहते हैं? और क्या मैम इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि पार्किंसंस हो गया जिसको हम धीमापन, कुछ लोग बोलते हैं कि उम्र के मुताबिक होती है, बट ये कुछ चीजें उम्र के मुताबिक नहीं होती हैं, उनको हम पार्किंसंस बोलते हैं, जिसमें शरीर में धीमापन आ गया, आदमी अपनी डे टू डे एक्टिविटीज हो गई बहुत स्लो कर रहे हैं, उसको पार्किंसंस कहते हैं। फिर न्यूरोपैथी, जिसमें शरीर में हम बोल देते हैं कि पैरों में सुनपन आ गया, पैरों में चीटियां काट रही हैं या फिर झुंझुनी आ रही हैं, उसको न्यूरोपैथी बोलते हैं। मांसपेशियों की दिक्कत को हम माइस्थीनिया ग्रेविस बोलते हैं या एपिलेप्सी मिर्गी। तो ये सब बीमारियां जो कि हम न्यूरोलॉजी में कवर करते हैं। सर हेडेक को लेकर मैं पूछना चाहूंगी, हम लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा है, कुछ लोगों को क्या होता है कि अक्सर हेडेक होने लगता है, फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें रोजाना हेडेक होता है, तो उन लोगों को भी जरूर आना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए? हाँ मैम, इसको माइग्रेन तो एक लाइफस्टाइल मेडिकेशन लाइफस्टाइल डिजीज है ये जी। कि इसमें अगर हम अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव कर लेंगे तो माइग्रेन एज सच चला जाएगा। जैसे सर्दी जुकाम हर साल एक आधी बार आते हैं, तो सेम वे माइग्रेन भी एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। अगर हम अपनी मोबाइल या डिजिटल लाइफ से थोड़ा सोने से 2 घंटे पहले अगर हम मोबाइल्स को ऑफ कर देते हैं या अपनी डिजिटल लाइफ बंद करते हैं, उठने के 2 घंटे बाद तक डिजिटल लाइफ नहीं यूज़ करते, या फिर हम मॉर्निंग में एक्सरसाइज या मॉर्निंग में वॉक करते हैं, अगर हम सब ये सब चीज़ें करते हैं तो माइग्रेन से ऑलमोस्ट हम फ्री ऑफ। हेल्दी लाइफस्टाइल होना भी ज़रूरी है और वो आपके ओवरऑल बॉडी पर इफेक्ट डालती है। सर एक और सवाल जो मैं बाहर देख कर आई थी, बोटॉक्स ट्रीटमेंट। अक्सर लोग सोचते हैं ये तो हीरोइंस हैं, बॉलीवुड की हीरोइंस हैं, इन्होंने बोटॉक्स ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन मेडिकली भी इसे यूज़ किया जाता है? मेडिकली इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। okay.
कि पहले लोग बोलते थे कि इसका जैसे कई लोग कुछ लोग होते हैं जिनके कुछ मांस फड़कता है, जैसे शरीर में फेस कुछ कुछ उल्टा उल्टा हो जाता है, तो उसमें बोटॉक्स बहुत अच्छा यूज़ करता है। कुछ लोग बोलते हैं उनकी आंखें बहुत तेज से बंद हो जाती हैं, खुल नहीं पा रही हैं, तो उसको बोलते हैं हम ब्लिफेरोस्पाज़म, तो उसमें बहुत अच्छा यूज़ होता है। या जिनके कुछ शरीर में अकड़ जाते हैं, शरीर बिल्कुल चिपक जाते हैं, उसमें भी जिसको हम स्पास्टिसिटी बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, उसमें भी बोटॉक्स का बहुत अच्छा यूज़ होता है। सर आपसे एक और सवाल करना चाहूंगी जो मेरा आखिरी सवाल भी रहेगा आपसे, क्योंकि आप अमृतधारा माई हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, पिछले 7 सालों से बेहतरीन सेवाएं पेशेंट्स को दे रहे हैं। पहले जिन लोगों को यानी दिल्ली चंडीगढ़ जाना पड़ता था, एक तरीके से धक्के खाने वाली बात हो जाती है, बड़े बड़े शहरों में जाना, वहां पर जाकर रहना, जो पेशेंट्स के अटेंडेंट भी रहते हैं उनके लिए भी, लेकिन अमृतधारा माई हॉस्पिटल क्योंकि अब एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन चुका है, किस तरीके से डील करता है पेशेंट्स को? मैम अब हमारे यहाँ पे EMG NCV जिसको हम सिंपल भाषा में नसों की जांच बोल देते हैं जी। वो भी होती हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि स्ट्रोक में जो गोल्डन पीरियड है उसमें थ्रोम्बोलिसिस भी हम लोग यहाँ पे करते हैं, ये कुछ ही जगह पे होती है। तो इसलिए मैं सबको बोलना चाहूँगा कि अपनी न्यूरोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी डिजीज़ हो तो तुरंत अपने धारा माई हॉस्पिटल में आके मिलें। और फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी स्ट्रोक हो या लकवा या ऐसे कुछ भी सिम्टम्स हो तो तुरंत गोल्डन पीरियड में आएँ, सो दैट कि हम थ्रोम्बोलिसिस कर सकें और जो ये झाड़े के चक्कर में या जो फुआ मतलब हवा लगने बोल देते हैं, इनके बिलीव इन पे ना बिलीव करें बस। और नर्व्स के अलावा जो आजकल जो बीमारियां देखने को मिल रही हैं वो गले नाक कान से जुड़ी हुई होती हैं या फिर मानसिक बीमारियां होती हैं, तो उनको लेकर जो ENT स्पेशलिस्ट हैं और जो यहाँ के साइकेट्रिस्ट हैं उनसे भी हम मुलाकात करेंगे और उनसे जानेंगे। और अब आपकी हर तरह की बीमारी जो कि जुड़ी होगी ईयर नेक या फिर थ्रोट से, उसको लेकर मैं पहुंची हूँ डॉक्टर गौरव बांबा के यहाँ पर, अंदर कैबिन में हम पहुंचेंगे और उनसे सवाल जवाब करेंगे क्योंकि ये हेड भी हैं डिपार्टमेंट के और ENT डिपार्टमेंट पूरा संभाला हुआ है इन्होंने। हेलो सर, कैसे हैं आप? करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ पर आपका स्वागत। नमस्कार मैम जी। सर सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूँगी, ईयर थ्रोट और नेक की अगर बात की जाए, क्योंकि अब चेंजिंग वेदर है, अचानक से अब ठंड आ गई है और विंटर्स सभी को फील हो रही है, तो उसको लेकर क्या सबसे ज़्यादा सिम्टम्स लोगों में आजकल देखे जा रहे हैं और किस बीमारी के साथ लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं? यस, वैसे तो ENT के सिम्टम्स थ्रू आउट द ईयर ही हमें देखने को मिलते हैं, लाइक कानों में दर्द होना, रेशा आना, पानी आना, नज़ला ज़ुकाम रहना, खांसी रहना, गले में दर्द रहना, लेकिन वो सारे सिम्टम्स इस पर्टिकुलर वेदर में, जबकि हम देखते हैं कि एनवायरनमेंट पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, डस्ट बहुत ज़्यादा है, आजकल खेतों में पराली जलाने की वजह से भी बहुत धुआं दिवाली के बाद, तो इन सब की वजह से जो हमारे पास पेशेंट इस टाइम बहुत बढ़ जाते हैं वो होते हैं वो पेशेंट्स जिनको ड्राई कफ, खांसी, बहुत लंबा नज़ला चलना, ज़ुकाम चलना, गले के अंदर चोकिंग की फीलिंग होना, गला घुटन सी महसूस होना, ये सारे सिम्टम्स हमारे पास पेशेंट्स में काफ़ी बढ़ जाते हैं। उसका मेन रीज़न और एनवायरनमेंट में फैला हुआ पोल्यूशन और जो डस्ट पार्टिकल्स और जो एलर्जेंस हैं वो सब रहता है। गौरव सर, ये तो बात रही बीमारी को लेकर, बहुत सारे लोगों में टॉन्सिल्स की भी दिक्कत होती है, हम जैसे लोग जो बोलते हैं हमें भी गले में पेन फील होता है, ये तो बात रही बीमारी को लेकर, लेकिन इन्हें मैनेज कैसे किया जाता है इस बीमारी को, क्योंकि आप ENT डिपार्टमेंट संभालते हैं, तो आप बताइए एक बार कि अमृतधारा माई हॉस्पिटल किस तरीके से इस बीमारी को मैनेज कर रहा है? यस, सो बेसिकली अगर हम कान नाक और गले की बात करें तो उसमें मेनली कान में देखिए जो कानों से पानी आना, रेशा आना, कान में सुनने की दिक्कत होना, झंझनाहट होना, साई साई की आवाज़ आना, उस सब के लिए हमें पहले एग्जामिनेशन करना होता है। एग्जामिनेशन के बाद हम पेशेंट का एक डायग्नोसिस बनाते हैं, कान के पर्दे में छेद है, कान की नसों में कोई कमज़ोरी है, कान के हड्डियों में कोई दिक्कत है, उस सब के लिए पहले हम डायग्नोसिस बोथ ऑडियोमेट्री टेस्ट द्वारा या रेडियोलॉजिकल टेस्ट जैसे CT स्कैन द्वारा पता लगा के और पेशेंट को आगे गाइड करते हैं कि उसके लिए हमें मेडिकल मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी या सर्जिकल। अगर पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत हो तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे लेटेस्ट माइक्रोस्कोप्स, लेटेस्ट ऑपरेटिंग फैसिलिटी, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स, ये सब सुविधा उपलब्ध है। इसी तरह टॉन्सिल्स का जो मोस्ट लेटेस्ट इलाज है लेज़र द्वारा, वो सब सुविधा उपलब्ध है। साइनस के पेशेंट्स जिनके अंदर नाक के अंदर मांस बढ़ जाता है, पॉलिप्स बन जाते हैं, उनको रिमूव करने के लिए माइक्रो डिब्राइडर, लेज़र्स, वो सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हैं, जिसके लिए कि पहले पेशेंट्स को करनाल से दूसरी जगहों पर रेफ़र किया जाता था, लेकिन अब वो सारी सुविधा हमारे पास अंडर वन रूफ अमृतधारा माई हॉस्पिटल में सक्सेसफुली अवेलेबल है। एक आखिरी सवाल गौरव सर आपसे,
पूछना चाहूँगी, क्योंकि हर बीमारी की एक स्टेज होती है, तो किस स्टेज पर पेशेंट को समझ जाना चाहिए कि अब उसे डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है? यस, जैसे कि अगर हम कान के बारे में बात करें, तो कान के अंदर अगर किसी पेशेंट को एक रिसाव चल रहा है, रेशा चल रहा है, जो दवाइयों द्वारा कंट्रोल नहीं हो रहा, या कानों में कमज़ोरी आ रही है, सुनने में शाई शाई की आवाज़ आ रही है, चक्कर आ रहे हैं, तो ये सारे वार्निंग सिम्टम्स हैं कि आपकी जो डिज़ीज़ है वो एडवांस स्टेज पे है, बढ़ी हुई स्टेज पे है। नाक के अंदर अगर आपको स्मेल की पावर की कमी हो जाए, नाक से सांस लेने में दिक्कत हो, मुंह खोल के सोने की दिक्कत आ रही हो, तो ये सारे सिम्टम्स हैं कि हमारे नाक की हड्डी या मांस की दिक्कत है। गले में अगर रिपीटेड बच्चों में थ्रोट इन्फेक्शन हो रही हैं, बच्चे मुंह खोल के सो रहे हैं, बच्चों को स्नोरिंग की हैबिट हो रही है, तो ये कुछ प्राथमिक सिम्टम्स होते हैं जो हमें हिंट देंगे कि कहीं ना कहीं दिक्कत ज़्यादा है और उसका हमें सही टाइम पे चेकअप और इलाज करवाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने कान, नाक और गले में आपको किसी भी तरह की दिक्कत हो तो आप अमृतधारा माई हॉस्पिटल में पहुंच सकते हैं, क्योंकि पहले आपको बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता था, लेकिन अब अमृतधारा माई हॉस्पिटल में हर तरह का इलाज लोगों को मिल रहा है। आजकल के बिजी स्केड्यूल में सबसे ज्यादा मुश्किलें आती हैं मानसिक बीमारियों को लेकर। मानसिक बीमारी भी कैसे, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन हो जाता है, बहुत सारे लोगों को एंग्जाइटी होती है, बहुत सारे लोगों को पैनिक अटैक्स तक आते हैं, बहुत सारे बच्चों में भी मानसिक बीमारियां देखने को मिलती हैं, जिसको लेकर आज मैं अमृतधारा माई हॉस्पिटल में पहुंची और मैं अब मिलूंगी डॉक्टर निर्णय सचदेवा जी से, जो कि MBBS MD डॉक्टर हैं, न्यूरो साइकेट्री हैं। उनसे इन्हीं बीमारियों को लेकर मैं बात भी करूंगी और जानूंगी कि किस तरीके के सिम्टम्स लोगों को महसूस होते हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल का, आजकल के लाइफस्टाइल का सीधा असर आपके हेल्थ पर पड़ रहा है, जिसके बाद आपको हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। हेलो सर, वेलकम। करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर स्वागत। धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आप जितनी भी मानसिक बीमारियां से ग्रस्त हैं लोग उनके साथ डील करते हैं, उनकी बीमारियां भी सुनते होंगे, सबसे ज्यादा कॉमन बीमारी आजकल लोगों में क्या देखी जा रही है? मोस्ट कॉमनली जो हम यहाँ पे देख रहे हैं पेशेंट, वो है एंजाइटी, डिप्रेशन के साथ जो हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं जी। तो ये साइकेट्रिक इलनेस जो है करनाल बेल्ट में, वो न्यूरोटिक इलनेस बेसिकली जो ट्रीटेबल भी हैं, तो एंजाइटी डिप्रेशन ही मोस्ट कॉमन है। तो सबसे ज़्यादा सिम्टम्स सर क्या देखने को मिलते हैं, क्या सिम्टम लोगों को फील होते हैं कि ये मेरे साथ हो रहा है और मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ? क्योंकि आजकल क्या है कि ये चीज़ ना बड़ी ट्रेंड कर रही है कि हर कोई सोचता है हर कोई डिप्रेशन में है, लेकिन हर कोई डिप्रेशन में नहीं होता, कोई और भी दिक्कत हो सकती है उन्हें। जी वही जो है, इसके लिए जो सेल्फ डायग्नोसिस बेसिकली हमें नहीं करना चाहिए जी, तो इसके लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। बट कुछ शुरुआती लक्षण जो आप खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं और आपको अगर ऐसा लग रहा है तो डॉक्टर की हेल्प ले सकते हैं, जैसे कि मन उदास रह रहा है ना, जो जिन चीज़ों में पहले प्लेजर फील हो रहा था आपको, जैसे कुछ घूमने फिरने में, या जिन चीज़ों में पहले आपको मज़ा आ रहा था वो प्लेजर आप फील नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप सो रहे हो रात को बट स्लीप जो है वो उतनी साउंड नहीं है, सुबह उठने के बाद आपको जो है अलर्ट फील नहीं होता, एक्टिव फील नहीं होता है, तो मतलब आपको लग रहा है कि आप सो रहे हो पर दिमाग चल रहा है और जो थॉट्स हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं दिमाग में, या फिर जो थॉट्स हैं वो नेगेटिव साइड पर, ओवर थिंकिंग बिल्कुल। तो ये सब कुछ लक्षण हैं जो आप खुद आइडेंटिफाई कर सकते हो और अगर आपको ऐसा लगता है तो आप जरूर। सर, छोटे जो बच्चे होते हैं वो भी आजकल बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, चाहे पढ़ाई का स्ट्रेस हो या फिर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, हर बच्चे को दूसरे बच्चे से आगे निकलना है, पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस डालते हैं इस बात को लेकर, अक्सर हमने देखा है, बहुत सारी खबरें भी हम करते हैं, तो बच्चों में क्या क्या बीमारियां देखने को मिलती हैं मानसिक जो जुड़ी हुई हैं? जी, पहले के टाइम में हम देखते थे कि जो एंजाइटी डिप्रेशन जैसी बीमारियां हैं ये बहुत यंग एज पे नहीं होती थी, बट आजकल जैसे आपने लाइफस्टाइल ऐसा कॉम्पिटिटिवनेस बहुत बढ़ गई है, तो हमने देखा है कि बहुत स्कूल में जो बच्चे जा रहे हैं बहुत ये स्ट्रेस, एंजाइटी और ये सब चीज़ें फेस कर रहे हैं, तो इसमें जो है पेरेंट्स भी काफ़ी अच्छा, मतलब रोल पेरेंट्स और टीचर्स जो हैं वो काफ़ी रोल निभा सकते हैं, बच्चों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो इनको बहुत स्ट्रेस हो रहा है, बहुत एंजाइटी हो रही है, क्योंकि जो अगर किसी को स्ट्रेस या एंजाइटी हो रहा है तो वो उनका जो उनके जो मेन ईयर्स हैं जिसमें उनका प्रॉपर डेवलपमेंट होना है, जो उनके प्रोडक्टिव ईयर्स हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं, अगर कहीं एंजाइटी चल रही है बच्चे के अंदर तो एंजाइटी की वजह से उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज होती है, तो वो फर्दर उनकी परफॉर्मेंस से इफ़ेक्ट करता है और एक वो लूप में फंस जाते हैं। तो अगर कोई बच्चा आप मतलब पेरेंट्स या टीचर आइडेंटिफाई करते हैं तो हम बहुत यहाँ पे हमारे पास काउंसलर्स हैं और मैं डॉक्टर हूँ यहाँ पे, तो हम उनकी मदद से प्रॉपर काउंसलिंग होती है
देखो, बच्चों को लेबल करने से पहले हम प्रॉपर डिटेल असेसमेंट करते हैं, बिकॉज कोई भी डायग्नोसिस या कोई भी मेडिसिन स्टार्ट करने से पहले हम प्रॉपर एकदम कंफर्म होना चाहते हैं कि एंजाइटी या डिप्रेशन उस लेवल का है कि हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और उसके बाद अगर हमें लगता है कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है और इसमें सिर्फ काउंसलिंग से ही बच्चे की मदद हो सकती है तो फिर हम काउंसलिंग प्रेफर करते हैं। बट अगर हमें लगता है कि कुछ थोड़ी बहुत मेडिसिन की ज़रूरत है या अकॉर्डिंग टू द डायग्नोसिस सीवियरिटी के हिसाब से, तो फिर हम उसके हिसाब से। क्योंकि हम बच्चों की बात करें, यंगस्टर्स की बात करें, तो आजकल एक बड़ी बीमारी जो देखने को मिल रही है वो नशे से जुड़ी हुई भी है। जो लोग नशा करते हैं उन्हें भी बड़ी दिक्कतें होती हैं और उस नशे को छुड़वाने के लिए भी लोग कई जगह जाते हैं लेकिन आराम नहीं मिलता। देखो क्या है कि नशा जो है वो एक मतलब जो लोग नशे में पड़ चुके हैं तो वो बहुत सारे लोग चाहते हैं वो नशा छोड़ना, बट जैसे ही जैसे अगर कोई शाम को अल्कोहल लेता है शाम के टाइम और वो अल्कोहल उस टाइम उसको नहीं मिला तो उसको एंजाइटी होने लगती है, रात को नींद नहीं आती है, रेस्टलेस फील करते हैं, यानी कई बीमारियां इंटरकनेक्टेड भी हैं। हाँ, तो क्योंकि वो बॉडी जो है वो डिपेंडेंट हो गई है अल्कोहल पे, तो अभी हमें नशा नहीं मिल रहा है तो हम विड्रॉल सिम्टम फेस करेंगे जो कि इस रूप में हम देखते हैं। छुड़वाने का भी काम किया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, वो कुछ दवाइयों की मदद से और कुछ काउंसलिंग मोटिवेशन एनहेंसमेंट हम करते हैं, मोटिवेट करते हैं लोगों को कि नशा छोड़ें, और उसमें जो हम दवाइयों की हेल्प से उनकी हेल्प करते हैं कि जैसे अगर नींद नहीं आ रही है तो कुछ नींद की दवाई दे दी, या फिर जो विड्रॉल सिम्टम जो वो हैं वो हम उसमें दे सकते हैं। और हमारे यहाँ पे शराब वगैरह के साथ साथ हमारे पास चरस गांजा उसके लिए जो है वो सारे जितने भी नशे हैं सबके लिए हम यहाँ पे उसका ट्रीटमेंट करते हैं। किन तरह की बीमारियों से सर डील करते हैं? हम यहाँ पे जैसे कि हमने आप बात की, एक तो साइकेट्रिक इलनेस हो गया जिसके अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, ओसीडी जैसे बीमारियाँ आती हैं, फिर बच्चों की जो बीमारियाँ हैं जैसे कि एडीएचडी हो गया, ऑटिज़म, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, कुछ बच्चों को सिर्फ जैसे स्पेसिफिकली मैथ से प्रॉब्लम होती है या कुछ स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, हाँ जी। फिर उसके बाद जो एक नशा मुक्ति केंद्र जो हमारा यहाँ पे है ही अमृत धारा माई हॉस्पिटल में, तो किसी भी तरह का नशा है जैसे कि चरस, गांजा, अफीम, बीड़ी, सिगरेट, कोई भी गांजा, कोई भी नशा है उसका वो है। और चौथा जो है हमारे पास सेक्स समस्याएं हैं, जो पुरुषों की सेक्स रिलेटेड समस्याएं हैं जैसे कि शीघ्र पतन हो गया या फिर लिंग में तनाव की कमी या अन्य जो सेक्स समस्याएं हैं उनका हम इलाज करते हैं यहाँ अमृत धारा माई हॉस्पिटल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। यानी जिन बड़ी बड़ी और भयंकर बीमारियों के लिए आपको बड़े बड़े शहरों में रुक करना पड़ता था, अब आपको अमृत धारा माई हॉस्पिटल में हर तरह का इलाज मिलेगा क्योंकि यहाँ पर हर डिपार्टमेंट में जितने भी डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, कई कई सालों का एक्सपीरियंस है और यहाँ पर आपको एक्सपर्ट डॉक्टर से एक्सपर्ट राय मिलेगी जिसको लेकर अब आपको बड़े बड़े शहरों में जाने की ज़रूरत नहीं है, बाहर रहकर धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। आप करनाल के ही अमृत धारा माई हॉस्पिटल में पहुँच सकते हैं, अपनी किसी भी बीमारी को लेकर किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। सभी लोगों का धन्यवाद।